हमारी जिंदगी में भी आम आदमी की तरह मुश्किलें आती हैं। कभी कभी ऐसे क्राइम करने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि अपने परिवार के लिए कुछ छोड़कर जा सके। हम तो बस आम लोग हैं आपकी तरह, शायद बाहर के लोगों के लिए चोर से ज्यादा कुछ नहीं है। फिल्म एनिमल से खुल जाएंगे रणबीर के रास्ते, क्या गैंगस्टर को होगा प्यार। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हर साल कई सारी फिल्में बनती हैं हमारे बॉलीवुड में, और फिल्में भी कुछ ऐसी बनती हैं जो या तो बहुत ही सक्सेसफुल होती हैं या फिर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती। अब इन सारी फिल्मों में सबकी फिल्में अलग हों और उनकी कहानियां अलग हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुछ फिल्मों की कहानी भी हमें मिलती जुलती दिखाई देती है, जहां फिल्म के किरदार के नाम और फिल्म के नाम तो अलग होते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्ट सेम हो जाता है, बस उसे पेश करने का तरीका अलग होता है। अगर बात करें ऐसी फिल्मों की, तो 90s में हमने कई ऐसी फिल्में देखी जहां बस लव ट्रायंगल पे फिल्में बनाना शुरू हो गया था, बस फिर उसी टाइप की फिल्में देखने को मिली, जैसे कि मुझसे दोस्ती करोगी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, मैं प्रेम की दीवानी हूं, वगैरह वगैरह। पर इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी फिल्मों के बारे में जिनकी कहानी हो सकती है कुछ मिलती जुलती। रणबीर कपूर की मच अवेटेड और अपकमिंग फिल्म एनिमल हम सभी के सामने आने वाली है। फिल्म में हमें रणबीर की कहानी को दिखाया जाएगा, जो अपने पास्ट में लड़ते लड़ते बन जाता है खतरनाक एनिमल, मतलब धीरे धीरे उनका डार्क साइड किरदार दिखाई देगा। उनके लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है ये रोल, पर शमशेरा फिल्म से नाराज हुई ऑडियंस को मनाने का ये एक बड़ा मौका है। पर अभी कहानी में कुछ किरदारों की एंट्री बाकी है, और उनमें से एक नाम है हमारी पुष्पा की श्रीवली यानी रश्मिका मंदाना की, और वो हमारे रणबीर की मुश्किल जिंदगी में बदलाव लेकर आएंगी। रणबीर को उनके विलन साइड से निकालेंगी, और तभी हमारे गैंगस्टर रणबीर को हो जाएगा प्यार, जिसके बाद फिर वो अपनी गैंगस्टर लाइफ छोड़ने के लिए हो जाएंगे तैयार और बढ़ाएंगे अपने कदम एक नॉर्मल जिंदगी की ओर। पर लाइफ में सब स्मूथ चले ऐसा हो नहीं सकता, और इनकी कहानी में विलन की एंट्री होगी, जो कि बॉबी देओल विलन बनकर रणबीर से पुराना हिसाब चुकता करेंगे, और इस विलन को कुछ इस तरह प्रेजेंट किया जाएगा कि ऑडियंस भी डर जाएगी। अब इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ तो गेस कर लिया होगा, अगर नहीं तो हम आपको बता दें 2014 में रिलीज हुई फिल्म एक विलन की कहानी भी कुछ इसी तरह थी, जहां हमें आयशा और गुरु की कहानी दिखाई जाती है, जहां आयशा गुरु को लेकर उनके विलन मोड से निकालती है, उनकी मुलाकात कराती है हंसती खिलती जिंदगी के साथ, और फिर हमें देखते हैं इन दोनों की हैप्पी लाइफ में विलन की एंट्री। दोस्तों, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत सक्सेस मिली थी और लोगों ने इस फिल्म की कहानी को बहुत पसंद भी किया था। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।